बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल अपनी तारीख के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हालत इतनी खस्ता है कि उनके पार्लियामेंटेरियंस, एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ये खुद इस बात को मान रहे हैं कि आने वाले एक महीने के बाद इसराइल के अंदर फौज को कौन कंट्रोल करेगा और कौन ऑर्डर देगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि फौज भी लोगों की तरह कई हिस्सों में टूट गई है। मतलब इस वक्त फौज भी वहां भीड़ का हिस्सा है। एक भीड़ वो जो बेंजामिन नेतन्याहू और बेन गवीर के एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट कर रही है, दूसरी भीड़ वो जो लिबरलिज्म को सपोर्ट कर रही है, और एक तीसरी भी भीड़ है इसराइल के अंदर यहूदियों की अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूश कम्युनिटी। अब ये लोग कौन है? ये लोग फ्लैग मार्च निकालते हैं पूरे इसराइल में, और कुछ दिनों पहले यरूशलम में भी इन्होंने फ्लैग मार्च निकाला था फलस्तीन के झंडे लेकर, और ये कहते हैं कि आज ही के दिन इसराइली स्टेट को एबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि इस स्टेट का यहूदी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये एक यूरोपियन आइडियोलॉजी जियोनिज्म पर बेस्ड है, जो कि इंस्पायर थी लिबरलिज्म से, डिक्टेटरशिप से और नाजीवाद से। इसीलिए इस स्टेट को हम यहूदी स्टेट नहीं कह सकते, इसे खत्म हो जाना चाहिए। जमीन फलस्तीनियों की है और ये आज ही खत्म हो जाए, ये इनकी आइडियोलॉजी है। ये पत्थरबाजी करते हैं इसराइल की फौज के ऊपर। इस वक्त भी इनके कई प्रोटेस्ट पूरे इसराइल में चल रहे हैं, और फौज इस तरह से बढ़ गई है कि रिजर्विस्ट आर्मी ने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ खड़े होने से इनकार कर दिया है। मतलब इस वक्त अगर इसराइली गवर्नमेंट या नेतन्याहू की सरकार इन आर्मी वालों से कहे कि ये जाकर प्रोटेस्टर्स के खिलाफ खड़े हो जाएं और उन्हें रोकें, तो ये लोग उस बात से इनकार कर रहे हैं। रिजर्विस्ट आर्मी के बहुत सारे लोग आम लोगों के साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर, और इन्होंने अपनी तरफ से ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ये लोग भी लोगों के साथ जाकर स्ट्रगल करेंगे, मतलब सरकार की बात मानने से इनकार कर देंगे। 40 के करीब पायलट्स ने वीकली एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग सरकार के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ हैं। वो लोग कंट्री के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं चाहते, और ये क्रैकडाउन सिर्फ मिलिट्री में या मिलिट्री के एक फैक्शन में नहीं है, सारे फैक्शंस में है। उसके बाद फिर मोसाद इसके खिलाफ है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सारे ऑफिशियल्स हैं वो इसके खिलाफ हैं और खिलाफ बोल भी रहे हैं। मतलब ये कोई पॉलिटिकल क्रैकडाउन नहीं है बेंजामिन नेतन्याहू, बेन गवीर वर्सेस नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड, ऐसा नहीं है कि लिबरल्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लड़ाई हो गई हो। ये एक सिविल क्रैकडाउन है, लोग आपस में कई मौकफ में बटे हुए हैं और वो लोग उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। बार बार इसराइली मीडिया के अंदर एक्सपर्ट्स सिविल वॉर का जिक्र कर रहे हैं। उनके चीफ रब्बी तक ने कहा कि अगर सिविल वॉर से बचना है तो सरकार को सारे फैक्शंस के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि सिविल वॉर को रोका जा सके, वरना टेंशन इतनी बढ़ जाएगी कि इसराइल के अंदर सिविल वॉर लाजमी है। अगर इससे बचना है तो बातचीत करें, और इस वक्त जुडिशियल रिफॉर्म्स की कोई जरूरत नहीं है, ये उनके रिलीजियस लीडर्स कह रहे हैं। उन लोगों ने भी कई मीटिंग्स आपस में ऑर्गेनाइज की है ताकि इसराइल को इस बहरान से निकाला जा सके। हालांकि उन्हीं के एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि हमने सालों कई कॉन्फ्लिक्ट्स देखे इसराइल के अंदर, लेकिन इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो किसी भी तरफ जा सकती हैं, और ये यहूदियों का आपसी कॉन्फ्लिक्ट है। नेतन्याहू ने फौज को काबू करने के लिए मिलिट्री चीफ के ऊपर दबाव डालकर अपनी स्पीच में ये कहा कि इनसे कहो कि सरकार के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दें, अगर ये सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो दुश्मनों को गलत मैसेज जाएंगे। हालांकि मैसेज पहुंच चुके हैं और उन्होंने रिसीव भी कर लिए। लगभग 5 लाख के करीब लोग तेल अवीव की सड़कों पर खड़े होकर एक महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यही हाल इसराइल के बाकी सारे शहरों का भी है। हालात कई बार प्रोटेस्टर्स ने बहुत ज्यादा बिगाड़ दिए। एक बार नेतन्याहू की बीवी सैलून गई थी, सैलून को चारों तरफ से प्रोटेस्टर्स ने घेर लिया और गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। उसके बाद ओपोजिशन के नेताओं ने सिफारिश की आम लोगों से, अपील की शांति की कि ऐसा मत करो वरना कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशंस और ज्यादा बिगड़ेंगी। इसलिए उन्होंने नेतन्याहू की बीवी को जाने दिया, मिलिट्री आई और वो उन्हें यहां से ले गई। अच्छा, सारा के पीछे क्यों पड़े हैं लोग? उसके कुछ रीजंस हैं, लेकिन सारा छोड़िए, वो नेतन्याहू को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जब उन्हें रोम जाना था। उन्होंने वहां पर रोड्स ब्लॉक किए, पोर्ट्स ब्लॉक किए, एयरपोर्ट्स ब्लॉक किए, इन सारी चीजों को ब्लॉक करके प्लान ये था कि कहीं नेतन्याहू को घेरा जाए। अच्छा, नेतन्याहू का तो समझ में आता, लेकिन सारा को क्यों घेरा गया? क्योंकि दोनों की लंबी चौड़ी करप्शन हिस्ट्री है, उसे आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले इसराइली इकोनॉमी भी इस पूरे क्राइसिस से बहुत बुरी तरह हिट हुई है। 8% के करीब उनकी शेकल यानी कि करेंसी की वैल्यू गिर गई है, जीडीपी श्रिंक हो रही है, ओवरऑल इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है। ऊपर से उनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत तेजी से डाउन हुई है, क्योंकि जितनी भी नई रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे जेपी मॉर्गन की हो, फिच की हो या फिर मूडीज की हो, इन सब ने अपनी रिपोर्ट्स में ये कहा कि आने वाले टाइम पर इसराइली इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगी, तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए घाटे का सौदा होगा। तो इसलिए अब तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इसराइल में पहले से हो रखे थे वो इन्वेस्टमेंट भी इसराइल छोड़कर जा रहे हैं।
वहां के बिजनेसमैन कह रहे हैं कि पर डे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसराइल छोड़कर निकल रहे हैं और इससे आने वाले टाइम पर उनकी इकोनॉमी पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है। जब से यूनाइटेड स्टेट्स को इसराइल की हालत के बारे में पता लगा है, जो कि साल भर पहले से ही खराब है, तब से उसके कान खड़े हैं और वो कोशिश कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके इसराइल की सिचुएशंस को ठीक किया जा सके, क्योंकि वही उसका मिडल ईस्ट में इकलौता किला बचा है और अब तो सऊदी और ईरान की डील भी हो गई है। तो बीते 2 महीनों में बड़ी कोशिश की यूनाइटेड स्टेट्स ने, पहले भेज दिए फॉरेन सेक्रेटरी, उसके बाद भेज दिए सिक्योरिटी चीफ लॉर्ड ऑस्टिन, लेकिन उसके बाद भी हालात सुधर नहीं रहे। पहले से कोशिश की कि इस मामले को ठंडा किया जा सके, तो 3 स्टेप्स लिए। पहले स्टेप में क्या किया, जॉर्डन के अंदर बातचीत करवाई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की और इसराइल की। अब इससे ज्यादा कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की असलियत लोगों को मालूम है, लोगों को पता है कि महमूद अब्बास किसका रिप्रेजेंटेशन वहां पर कर रहे हैं और उन्हें किसने 18 साल से सत्ता में बैठा रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट बनाया जा सकेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि बातचीत हो रही है, तब तक किसी तरह की कोई टेंशन यहां नहीं होगी। वरना इन्हें ऐसा लग रहा था कि सबसे पहले यहूदी आपस में भिड़ गए अगर सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस, जैसे उनके रब्बी कह रहे हैं या फिर उनके लीडर्स और पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं, उसके बाद कहीं पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो खेल ही खत्म हो जाएगा। पहले ही डिज्नीलैंड बना हुआ था पूरा देश, उसके बाद ढंग से डिज्नीलैंड बन जाएगा। तो इसलिए करवाई बातचीत। स्टेप 2 में इन्होंने लॉयड ऑस्टिन को भेजा था कि वो जाकर मुआयना लेकर आए पूरे इसराइल का और समझे कि सिचुएशंस क्या है। और स्टेप 3 में उन्होंने इसराइल को एक से एक सजेशन दिए, जिसमें सबसे पहला सजेशन है कि इस वक्त किसी तरह का कोई जुडिशियल रिफॉर्म नेतन्याहू की गवर्नमेंट ना करे, लेकिन नेतन्याहू नहीं मानने वाले। दूसरी बात कि उन्होंने ये कोशिश की कि वो जितने भी पड़ोसी हैं उनके बारे में समझाया जाए कि इस वक्त इसराइल उनके साथ ना भिड़े, चाहे वो सीरिया हो, हिजबुल्ला हो, ईरान हो, या फिर किसी भी तरह के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़े, क्योंकि उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चीजें संभालनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। वैसे ही वो यूक्रेन में बिजी है, तो इसलिए वो कोशिशें कर रहा है, लेकिन इस वक्त कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सऊदी और ईरान के बीच में डील। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल का प्लान क्या था, प्लान ये था कि दोनों देश साथ में मिलकर एक यूनियन बनवाएंगे मिडल ईस्ट में। अब इस यूनियन में होगा इसराइल और बाकी सारी गल्फ स्टेट्स। उसके बाद ये पूरा जो यूनियन होगा, जिसमें इसराइल भी होगा, ये लोग मिलकर ईरान के ऊपर दबाव डालेंगे, उसकी इकोनॉमी तबाह करेंगे, उसको हर तरह से मजबूर कर देंगे। और एक बार जब ईरान अपनी ताकत खो देगा, उसके बाद बारी आएगी गल्फ स्टेट्स की। ये प्लान इन लोगों के साथ तो मिलकर नहीं बनाया गया था, लेकिन नेक्स्ट प्लान वही था, क्योंकि सऊदी और ईरान के बीच में हो चुका है नॉर्मलाइजेशन और इस नॉर्मलाइजेशन के बाद दोनों देशों में आने वाले 2 महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एमबीसी खुल जाएंगी, फॉरेन मिशन ऑन हो जाएंगे, मतलब रिलेशंस हो जाएंगे 2011 के अरब स्प्रिंग से पहले वाले। इसका मतलब क्या है कि मिडिल ईस्ट में जितनी भी प्रॉक्सी वॉर्स होती थी, वो सारी प्रॉक्सी वॉर्स खत्म होने जा रही हैं। और जब वो खत्म हो जाएंगी तो इसराइल के पास अपनी टेंशन को छुपाकर, या वो जो टेंशन उसके यहाँ बनती थी, वो उसकी एनर्जी रिलीज करता था बाहर। बाहर वो लोग कहीं पर हमला वगैरह कर देंगे और दोनों देशों की आपस में बनेगी नहीं, मिडल ईस्ट में प्रॉक्सीज चल रही हैं, इस वजह से वो इसराइल को टैकल नहीं कर पाते थे। लेकिन अब वो चीज़ें होंगी नहीं, तो जितनी भी टेंशन बनाएगा इसराइल, उसकी एनर्जी रिलीज होगी इसराइल के अंदर, तो इनकी सिचुएशंस बिगड़ेंगी। और ऐसा नहीं कि सऊदी और ईरान के बीच में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ये सिर्फ कहने की बात हो, क्योंकि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को इन्विटेशन मिला है किंग सलमान की तरफ से रियाज आने का, इसके बाद तो इस पर स्टैंप लग जाएगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस में हमास ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा कि रमजान के वक्त में मस्जिद अल अक्सा का स्टेटस को चेंज नहीं होना चाहिए। कभी इसराइल ये सोचे कि इस वक्त लड़ाई नहीं होगी, अगर हक के लिए लड़ना रहा तो इस वक्त भी हमास उसको पूरी तरह जवाब देगा, क्योंकि वेस्ट बैंक के हालात बिगड़ते हुए जा रहे हैं। वेस्ट बैंक के हालात इस वक्त इसराइल के हाथ में नहीं रहे और ये चीज कहीं ना कहीं गाजा में ऑब्जर्व की जा रही है। लेकिन वेस्ट बैंक के लोगों में और गाजा के लोगों में एक बड़ा डिफरेंस है। गाजा के लोगों को वेस्ट बैंक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता और वेस्ट बैंक के लोगों को गाजा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। तो जो सेंट्रल लीडरशिप है हमास की, उसे उतनी नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज वेस्ट बैंक में बैठे लोगों की है, वेस्ट बैंक की। तो गाजा में बैठी हमास की सेंट्रल लीडरशिप को वेस्ट बैंक की हमास की तरफ से कॉल आया और वहां के लीडर्स ने उनसे कहा कि वेस्ट बैंक के अंदर एक बड़ा रेसिस्टेंस बन रहा है, इस वक्त आपको किसी तरह के इंटरवेंशन स्टेटमेंट या फिर स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये लेते हैं तो यहां का रेसिस्टेंस वीक पड़ेगा, तो यहां का रेसिस्टेंस उभरने दीजिए, वहां से आप कुछ मत करिए, क्योंकि यहां के लोगों को, मतलब जो वेस्ट बैंक में है, उन्हें इसराइल के क्रैकडाउन को बामुकाबले गाजा के लोगों के ज्यादा बेहतर वे में पता है, इसलिए यहां पर रेसिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि हालात बिगड़ते हुए जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आपने बार बार वेस्टर्न मीडिया में एक प्रोपेगेंडा देखा होगा,
कि इसराइल पूरे मिडल ईस्ट की एक लौती डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को वो सारे राइट्स मिलते हैं जो मिडल ईस्ट में बाकी सारी जगह पर नहीं मिलते। अगर आप बात करेंगे पैलेस्टीनियंस के राइट्स की तो ये पागल हो जाएंगे, इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप बात करेंगे वहां पर रह रही अरब पॉपुलेशन की तो राइट्स खत्म हो जाएंगे और उन राइट्स की यूनाइटेड नेशन में, यूरोपियन यूनियन में या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में बात बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर उन सारी चीजों को भी साइड में हटा दिया जाए और एक बार ऑपरेशन किया जाए इसराइली डेमोक्रेसी का, तो वहां के जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। ऑलमोस्ट 14-15 साल से वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उस आदमी की ही पूरी हिस्ट्री काली है। 4 के करीब बड़े केसेस हो रखे हैं, करप्शन के, ब्राइबरी के, फ्रॉड के और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। अब इसमें सबसे पहला है केस 1000। इस केस में नेतन्याहू और उनकी वाइफ सारा ने $3,00,000 के महंगे गिफ्ट्स लिए थे एक इसराइली बिजनेसमैन से। किस चीज के बदले? ताकि उसके लिए एक बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट इसराइल के अंदर बनाया जा सके। जब वो 2011 से 2016 में सत्ता के अंदर थे तो अपनी ताकत का ये इस्तेमाल कर रहे थे मिस्टर नेतन्याहू। और दूसरा है केस 2000। इसमें एक इसराइली न्यूज़पेपर के ओनर के साथ बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर हुई बातचीत लीक हो गई थी, जिसमें नेतन्याहू उस न्यूज़पेपर से कह रहे थे कि मेरे बारे में दिखाओ, मेरी तारीफ करो, और उसके बदले में वो उसके कॉम्पिटिटर न्यूज़पेपर्स को रास्ते से हटा देंगे। मतलब तुम हमें फेमस करो और हम बाकी सबको रास्ते से हटा देंगे। ये दूसरा केस है। तीसरा है केस 3000। इसमें एक जर्मन सबमरीन थी जो इसराइल ने जर्मनी से खरीदी थी। उस सबमरीन में कई मिलियन डॉलर्स की धांधली हुई है। उस धांधली में भी नेतन्याहू के एड्स एक्यूज हैं और वो एड्स जो हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं नेतन्याहू के ऊपर। और चौथा है केस 4000। यहां पर है एक टेलीकम्युनिकेशन जाइंट बेजक। बेजक के जो ओनर हैं या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर वो है नेतन्याहू के दोस्त। अब बेजक ओन करती है एक मीडिया न्यूज साइट वल्ला। वल्ला के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके ऊपर नेतन्याहू के दोस्त ने दबाव डाला कि आप जितनी भी न्यूज टेलीकास्ट करेंगे वो सारी प्रो नेतन्याहू होनी चाहिए। जब वो सारी प्रो नेतन्याहू होंगी, लोगों के दिमाग पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा नेतन्याहू को लेकर, उन्हें वोट्स पड़ेंगे। इस तरह से 4-5 धांधली करके एक आदमी सत्ता में बैठा है, लेकिन फिर भी वो ओनली डेमोक्रेसी है। और ये सब करने के बावजूद भी वो आदमी जब इस वक्त सत्ता में है तो एक बिल लेकर आता है पार्लियामेंट में बेशर्मों की तरह कि इसे मेरे ऊपर से हटा दिया जाए इन सारे केसेस को। और उसके बाद क्या कर रहा है? जुडिशियल रिफॉर्म्स ला रहा है जिसमें जुडिशरी की पावर खत्म की जाएगी, सरकार की पावर बढ़ाई जाएगी, उसके बाद जुडिशरी सरकार के अंदर आएगी। जो सरकार है वो नेतन्याहू के हाथ में है, जुडिशरी को दबाकर वो अपने ऊपर लगे सारे केसेस खत्म कर लेंगे। ये उनका प्लान है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं होगा। आज से एक साल पहले इनके सपोर्टर्स डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि इसराइल की हालत खस्ता है, लेकिन आज वहाँ साउथ एशिया में जो इनके सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं इंडियन मीडिया हाउसेस में बैठे हुए, वो लोग भी अब इस बात को मान रहे हैं कि आज इसराइल की हालत खस्ता है और ठीक ठाक कवरेज कर रहे हैं। आप इनके थंबनेल्स देख लो, इनके शोज देख लो, आखिर में इन्होंने जितने भी न्यूज़ दिखाए हैं लास्ट कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में वो ऑलमोस्ट 60% ठीक हैं। आखिर में इन्हें मजबूर होकर मानना पड़ रहा है कि हाँ इसराइल की हालत खस्ता है। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।